नमस्कार, जुड़ चुके हैं जेके प्राइम मीडिया के साथ और मैं हूं सुशी। 370 हटने के बाद युवाओं से कहा जाता था कि कहीं ना कहीं उनका भी कहीं समाधान होगा। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा मौजूद हैं और इनके साथ पूरी टीम इनकी ऐसी दरबदर की ठोकरें खा रही है जिनका ना प्रशासन सुन रहा है तो ना ही कोई और सुन रहा है। हम इन्हीं के मुंह से सुनना चाहेंगे कि क्या इनको गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है या इनको आश्वासन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है। सर, पहले अपना नाम बताएं और अपनी प्रॉब्लम बताएं। सर, मेरा नाम मुख्तार अहमद है, मैं पुंछ से बिलोंग करता हूं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आपने हमारे लिए कीमती टाइम निकाला। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से 370 टूट चुका है, हमने जो मेडिकल असिस्टेंट / फार्मासिस्ट है वो डिप्लोमा 370 टूटने से पहले का किया हुआ है। हम 370 टूटने से पहले जो है क्वालिफाइड हैं। अब इस टाइम उस टाइम से लेके आज 18 महीने हो चुके हैं, आज तक हमारे लिए कोई ना रजिस्ट्रेशन हो रही है ना लाइसेंस बनाने की हमें अनुमति दी जा रही है। इस टाइम पे कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए मीटिंग चल रही है। मीटिंग कहाँ चल रही है अब ये भी कुछ पता नहीं है। हम करते हैं फार्मेसी कौंसिल ऑफ इंडिया में बात, वहाँ पे क्या कहा जाता है कि तुम्हारे जो जम्मू कश्मीर फार्मेसी कौंसिल है वो तुम्हारे बारे डिसाइड करेगी कि तुम्हारा क्या करना है। जब हम जाते हैं ड्रग कंट्रोलर ऑफिस लोतिका खजूरिया मैम के पास, वहाँ सबसे पहले तो हमें अंदर नहीं इंटर किया जाता। अगर इंटर भी होते हैं हमें फटाफट पुलिस को फ़ोन आ जाता है कि ये लड़के गेट तोड़ के अंदर घुस चुके हैं। भाई, किस बात का डर है तुम्हें? किस बात का सरकारी ऑफिस है? किस बात का डर है? किससे डर है? है किससे डर है? हम हेल्थ वर्कर हैं, हमसे डर है क्या? अगर हमसे डर है तो ऑफिस बंद करो फिर। हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं हैं। हमारी ही जो क्लासेस जब हमारी चल रही थी, हमने जो फ़ी भरी है उसकी जो पैसा है वही उनको तनख्वाह मिलती है। हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं हैं। तो हम जब वहाँ पर जाते हैं हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। क्या कहता, क्या है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कहता है आपसे? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बात आ रही, वो हर बार यही कहते हैं कि आपके बारे मीटिंग चल रही है। पिछले 18 मंथ से मीटिंग चल रही है, अभी तक क्या मीटिंग नहीं ख़त्म हुई? और उसके बाद वहाँ से हम ज़बरदस्ती से ऑफिस में अगर जाते भी हैं तो वहाँ से हमें कहा जाता है कि आपकी जो फाइल है वो सेक्रेटरेट हमने भेज दी है। अब हम सेक्रेटरेट का वेट भी करते हैं। मैं सेक्रेटरेट में खुद गया, अटल डिल्लू सर से बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं वहाँ से फाइल्स निकाल के लाया। उसमें यह चीज़ लिखी हुई है कि जो मेडिकल असिस्टेंट है वो डी फार्मा के इक्वल है। अब जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो मेडिकल असिस्टेंट का सिलेबस भी है और डी फार्मा का सिलेबस भी है, और उसके बाद फार्माकोलॉजी जो है मेडिकल असिस्टेंट का सिलेबस भी है और डी फार्मा का भी है। वो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट / डी फार्मा। अब अगर इनके डी फार्मा के बराबर है मेडिकल असिस्टेंट तो फिर इनको क्या परेशानी आ रही है? कितने युवा हैं जो आपके साथ ऐसे ही दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो हैं वो 25,000 से 30,000 तक यूथ है। अब उनको रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही है, लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। हम जो हमारे स्टूडेंट जो हैं दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ लड़के जो हैं सुसाइड करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कुछ लोग जो हैं वो खुदकशी और बहुत से गलत रास्ते पे चलने के लिए। अभी जैसे बीजेपी की सरकार चल रही है, क्या बीजेपी के किसी नेता ने, किसी लीडर ने आपको कोई आश्वासन दिया कि आप उनके पास गए? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम सबके पास के जितने भी जम्मू के अंदर नेता हैं सबके पास गए। हर जगह से हमें यही जवाब मिलता है, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम देखेंगे। चिंता नहीं करनी, ऐसी बैठे दिए जिले सरकार बनेगी फिर देखेंगे। वो चिंता कब तक हम नहीं चिंता करेंगे? हमारे तो 2 साल होने को हो गया, हमारी ज़िंदगी जो दाम पे लग रही है। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाज होते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चे जो है सुसाइड की तरफ जाते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर नशे और ड्रग्स लेते हैं बच्चे। लें तो क्यों ना लें? आज हम भी डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, हमारे कुछ साथी जो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। बताओ, वो बंदूक उठाएं तो क्यों नहीं उठाएं? वो पत्थर नहीं मारे तो क्या करें? वो चोरी नहीं करें तो क्या करें? वो सुसाइड नहीं करें तो क्या करें? उनको इस टाइम मजबूर होके उनको घर छोड़ के, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं पिछले 18 मंथ से मैं घर नहीं गया। अपने घर वालों को क्या मुँह दिखाऊंगा कि मैं क्या करने गया था? मेरे जो फैमिली, आज तक मेरी फैमिली के अंदर कोई मुलाजिम नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता। मैं अपने लोन
लोन लेके, आज मैं पढ़ लिख के 4 साल आपने बर्बाद करके आज हमें सड़कों पे खड़ा कर दिया गया है। हमें कहा जा रहा है कि आप COVID-19 जो है इसके साथ आपको लड़ाई करनी है। हम इस वक्त भी तैयार हैं, हम लड़ाई कर भी रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। हम में वो ताकत है, हम ट्रेंड मेडिकल असिस्टेंट हैं जो हम हर फील्ड में आगे हैं। एक बात और मैं यहाँ पर मैंशन करूँगा कि जो एक्सपीरियंस बेस पे जो जिनको लाइसेंस दिया गया था तो वो अभी भी रिन्यू हो रहे हैं, और हम जो ट्रेंड मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट हैं कंटिन्यू हमने अपनी इंटर्नशिप की, हमारी रेगुलर क्लासेस हुई, आज हमें बाहर रखा गया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर जो एक्सपीरियंस बेस पे लड़के थे जो मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं उनको एक्सपीरियंस के बेस पे तुमने रिन्यू कर रहे हो, और जो हम ट्रेंड मेडिकल असिस्टेंट हमें क्यों नहीं, अगर हमारा कुछ हल करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम 25,000 युवा जो है सड़कों पे उतरेंगे, फिर हम बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। हम करके दिखाएंगे, हम हर हालत में लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमें रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। देखिए, प्रशासन की तरफ से इनको सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है और नेताओं की तरफ से इनको ये कहा जा रहा है कि चिंता नहीं करनी, हम इधर ही है, चिंता नहीं करनी। लेकिन सर, एक एक करके इनकी चिता जल रही है। ये आप देख रहे हैं, आपने इनके ही मुंह से सुना कैसे इनको हर जगह रोडों पे आना पड़ रहा है। युवा है जो आज की, जो कल का न्यू जनरेशन है, वो रोडों पे आ रहा है। यूं ही न्यू अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए JK Prime Media के साथ, और मैं सुशील, धन्यवाद।